पैसे पेड़ पर नहीं मोदी की दाढ़ी में उगते हैं, पैसे पेड़ पर नहीं मोदी की दाढ़ी पर उगते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, और ये हम नहीं बल्कि खुद मोदी जी के सांसद कह रहे हैं। अब जरा इस वीडियो को गौर से देखिए। मोदी की दाढ़ी में घर है, घर है, व्यक्ति का वो ऐसे दाढ़ी बचा रहे थे तो 50 लाख है, एक दाढ़ी बचाई थे 1 करोड़ का, एक वे दू वे तीन वे चार वे विधायक व्यक्ति वे कहीं होती वे गले में आए थे। मोदी की दाढ़ी में देखो रहे दाढ़ी यार दिखे तब घर बंद हो गई, ऐसे मोदी की दाढ़ी है तो हाँ घर पूरा उम्र रहे तब सब ठीक है। इस वीडियो में बीजेपी सांसद बोल रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी की दाढ़ी से पीएम आवास झड़ते हैं, मतलब गरीबों के घर झड़ते हैं। मध्य प्रदेश के रीवा से बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्र यहीं नहीं रुके, उन्होंने फिर से कहा, जितनी समय मोदी ने दाढ़ी को झाड़ा तो मिलेंगे 50,000 घर। और यदि फिर से उन्होंने एक बार अपनी दाढ़ी को झाड़ा तो मिलेंगे 1 करोड़ घर। काश इतनी बड़ी खोज पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कर लिया होता तो आर्थिक रूप से आज भारत अमेरिका को पीछे छोड़ चुका होता। कहीं ना कहीं यह वीडियो मोदी के नाम पर चुने गए निकम्मे नेताओं की पोल खोलता है। केंद्र से आए पैसे केंद्र के पास कहां से आए इन्हें यह तक नहीं पता। इनको लगता है कि पैसे मोदी की दाढ़ी में उगते हैं। इन्हें यह नहीं पता कि केंद्र सरकार के पास जो पैसे आते हैं वो लाखों लोगों की मेहनत का नतीजा है। लाखों लोग इनकम टैक्स बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में जो टैक्स है वो टैक्स है जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के पास आ रहे हैं, और वो पैसे केंद्र और राज्य सरकारों से इन विधायकों और इन सांसदों के पास जाते हैं ताकि गरीबों को आवास योजना का लाभ मिल सके और शौचालय योजना का लाभ मिल सके। परंतु यदि इन सांसद और विधायकों को यह तक नहीं पता कि पैसे जनता से आके जनता के लिए ही आ रहे हैं तो इनको लगता है कि इनके प्रधानमंत्री की दाढ़ी में पैसे उगते हैं। और अब जब इनके पास पैसा आया तो ऑब्वियस सी बात है कि ये नेता, ये सांसद, विधायक, इनको लगता है कि उस पैसे पर तो सबसे पहले इनका हक है, और इसलिए कहीं ना कहीं ये गरीबों के लिए आए उस पैसे का गबन करते हैं। यह स्थिति उन नेताओं की है जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन मोदी के नाम पर जिनको जनता ने वोट दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे सांसद, ऐसे विधायक जिनका ये मानना है कि पैसे मोदी जी की दाढ़ी में उगते हैं, उनकी क्लास लगाएं, उनको यह समझाएं कि आखिर में पैसे आते कहां से हैं। इन नेताओं को, इन सांसद को समझाना जरूरी है ताकि इनको समझ में आए कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते और पैसे दाढ़ी पर भी नहीं उगते। अन्यथा देशवासी अब उदाहरण के तौर पर यही कहेंगे कि पैसे दाढ़ी पे नहीं उगते।